हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी रिगार्डिंग आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसीज़ के बारे में। एज आप सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है वेदर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर ये फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, 8,000 वैकेंसीज़ का सच क्या है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेदर ये रिक्रूटमेंट कराती भी है या फिर ये सिर्फ फेक रिक्रूटमेंट जैसे फॉर्म फिल कराती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन सारे डाउट के बारे में स्टूडेंट आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सेकेंडली, इट्स एन ओपिनियन। ठीक है, ये एक ओपिनियन है, यू माइट अग्री यू माइट नॉट अग्री। ओके, अगर अग्री करोगे वेल एंड गुड, और अग्री नहीं करते हो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन एट द एंड आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी वेदर आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो भी वैलिड पॉइंट्स है स्टूडेंट, वो मैं आज के सेशन में आपके सामने डिस्कस करूँगी और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 8,000 वैकेंसीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट, इस एनेक्शन में कहीं भी 8,000 वैकेंसीज़ के बारे में मेंशन नहीं है। आप पॉइंट टू देख सकते हैं, यहाँ ये मेंशन है कि देर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टीचर्स ऑन रोल्स ऑफ दी स्कूल्स। कहने का मतलब है कि जो भी स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया हैं उसमें 8,000 टीचर्स रिक्रूटेड हैं। सेकेंडली, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस बाय द स्कूल मैनेजमेंट while advertising for holding interviews evaluation of teaching skills in the last 2 years the number of total vacancies in different categories were 2315 and 2169 respectively। कहने का मतलब है ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा ओपन करा जाएगा। तो अभी वैकेंसीज़ के बारे में एनेक्शन में कहीं भी नहीं बताया गया है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग 8,000 वैकेंसीज़ हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्डली बात करते हैं स्टूडेंट स्कोर कार्ड के बारे में। आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये जो स्कोर कार्ड है वो तो बस 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, उसके बाद वैलिड नहीं है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी है। स्कोर कार्ड आपका पूरी लाइफ के लिए वैलिड हो सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि अगर आप किसी भी CBSE अफिलेटेड स्कूल में एटलीस्ट 1 साल के लिए तो टीच कर लो, ठीक है, तो आपका ये जो स्कोर कार्ड है वो फुल लाइफ के लिए वैलिड हो जाएगा और आपको वापस से इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्कोर कार्ड आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्म फिल करें या फिर नहीं करें। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में, वो इतना अच्छा नहीं रहा है, वो नेगेटिव कह रहे हैं, और ऐसा हुआ भी होगा। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन स्टूडेंट, हम इस बात को भी नहीं झुटला सकते हैं कि काफ़ी सारे टीचर्स आज के टाइम में भी आर्मी पब्लिक स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्यरत हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर उन्हें रिक्रूटमेंट मिला है। इस एनेक्शन में एक बात और मेंशन है कि अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं है लेकिन आपकी इवैल्यूएशन स्किल्स, टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उसके बाद भी आपको एज अ टीचर रिक्रूट कर लिया जाएगा, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ये झूठ बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि स्कोर कार्ड बेकार है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इट विल ऐड अ फेदर टू योर कैप। ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट में एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करेगा। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है पैंडेमिक फैला हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं अपने साइड से आपको यही सजेस्ट करूँगी, अभी आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम है, बिकॉज एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है हाथ में कोई जॉब होना, हाथ में कोई सर्विस होना। ठीक है, और इस एग्ज़ाम की मदद से स्टूडेंट आपके पास एक और कह सकते हो एक डोर ओपन होगा। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा जिसे आप किसी CBSE अफिलेटेड स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज के टाइम में स्टूडेंट जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वो भी आपको अच्छी खासी सैलरी देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड होगा जो आपने क्वालिफाई कर रखा है तभी आपको इशू हुआ है, तो इट विल ऐड अ फेदर टू योर कैप। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन तो रिक्रूटमेंट कराती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये आधा सच है। रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, हुए भी हैं, जिनका CTET क्वालिफाई नहीं है वो भी एज अ टीचर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। देखिए,
आर्मी पब्लिक स्कूल में आर्मी बैकग्राउंड के टीचर्स ही होंगे, ये सच नहीं है। उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप सोसाइटी को अच्छा दे सकते हो और वो आप लोगों में ये चीज़ देखेंगे तो आपको ज़रूर हायर करेंगे, ठीक है ना। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। और मेरा सिर्फ आप लोगों को यही सजेशन होगा कि इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी बुराई नहीं है, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अप टू यू। और एक बात स्टूडेंट, इस पेपर का जो लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे लेवल का है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, इस पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ ही होगी विद इन 2 मंथ्स। अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि 2 महीने बाद मेरा पेपर है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में आ जाओगे एंड यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो देर इज़ नो हार्म इन फिलिंग दिस फॉर्म। आई नो 500 रुपी फ़ी ज़्यादा होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो 500 रुपये खर्च करना, आई अग्री। लेकिन अगर आप इस वजह से इस फॉर्म को छोड़ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट तो होता ही नहीं है तो मैं फिल नहीं करूँगा, तो ये स्टूडेंट पूरा सच नहीं है। रिक्रूटमेंट होते हैं, हुए भी हैं, ठीक है। सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए एंड आई होप आप सभी लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।